हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज कुछ नई और इंटरेस्टिंग पहेलियाँ। पहेलियाँ शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं पहेली नंबर वन। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ फ्राइडे थर्सडे से पहले आता है? सोचिए सोचिए। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री। इसका उत्तर है डिक्शनरी में। अब देखते हैं पहेली नंबर टू। राम को 100 किलो आटा पिसवाना है, लेकिन आटा पीसने की चक्की नदी के उस पार है और नदी का पुल टूट गया है। राम आटा किस तरह पिसवाएगा? सोचिए सोचिए। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री। इसका उत्तर है राम आटा नहीं पिसवाएगा, क्योंकि आटा पहले से ही पिसवाया हुआ है। अब देखते हैं पहेली नंबर तीन। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे लोग बुरा कहते हैं, लेकिन पीने के लिए भी कहते हैं? सोचिए सोचिए। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री। इसका उत्तर है गुस्सा। अगर आपको मेरी पहेलियाँ पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आपके 5 में से कितने मार्क्स आते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं पहेली नंबर फोर। वह क्या चीज़ है जिसके पास हेड भी है और टेल भी है, पर बॉडी नहीं है? सोचिए सोचिए। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री। इसका उत्तर है सिक्का। अब देखते हैं पहेली नंबर पाँच। ऐसी कौन सी आवाज़ है जिसे सब सुन सकते हैं, लेकिन आप नहीं? सोचिए सोचिए। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री। इसका उत्तर है आपके खर्राटे की आवाज़। आपको मेरी पहेलियाँ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और नई नई और इंटरेस्टिंग पहेलियों के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। थैंक यू।